भोपाल के छोला रोड पर इसी घर में रहती थी 14 साल की मानसी। लेकिन अब मानसी की माँ सिर्फ उसकी तस्वीर देखकर आंसू बहा रही है। करीब 15 दिन पहले मानसी अचानक अपने घर से गायब हो गई और उसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया। मानसी की माँ का आरोप है कि पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। लापता 15 दिन हो गए, नाते रिश्तेदार सब में देखा तो कहीं पता ही नहीं लगा। बहुत दूर दूर गुलाबगंज गए, खेरे गांव गए, मुलक गांव गए, पता ही नहीं चल रहा। बल्कि मध्य प्रदेश में 2008 से 2013 के बीच करीब 30,000 लड़कियों की गुमशुदगी दर्ज हुई है। इनमें से 4,990 का अब तक कोई पता नहीं है। लिहाजा ये मामला मानव तस्करी से भी जुड़ा हो सकता है। सरकार की माने तो कई बार गुम हुई लड़कियां घर वापस आ जाती हैं, मगर उनके परिजन पुलिस को सूचित नहीं करते हैं। लापता लड़कियों का सही ब्यौरा तैयार करने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाए जाने की भी बात कही जा रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं भी बढ़ी हैं। 3 सालों में 10 साल से कम उम्र की 166 बच्चियां हवस का शिकार हुई हैं। इनमें से 19 बच्चियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। साफ है कि प्रदेश में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के दावे केवल कागजी साबित हो रहे हैं। सचिन चौधरी, भोपाल, जानू दुनिया।